सिंगरौली जिले के शासन रिलायंस पावर प्लांट के अधीनस्थ कंपनी में कार्यरत मजदूरों को डीसीएम के सहयोग के बदले में नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मामला शासन रिलायंस पावर प्लांट का है, जहां पर रिलायंस पावर प्लांट में 8 वर्षों से कार्यरत श्रमिक रावेंद्र प्रसाद पांडे ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा गया है कि रिलायंस पावर के CNI में पदस्थ DGM प्रमोद सिंह जमीन खरीदी करना चाहते थे। श्रमिक ने एक जमीन विक्रेता से मिलाया, फिर श्रमिक इस बीच में अपनी ड्यूटी में आता जाता रहा। जमीन के मामले में कोई लेना देना नहीं था। इस बीच में DGM प्रमोद सिंह ने जमीन विक्रेता को 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दे दिए गए थे। उसके बाद में कुछ दिनों बाद जमीन खरीदी से मना करते हुए अपने रुपए वापस मांगने लगा, तो जमीन विक्रेता ने कहा कि जब तक जमीन नहीं बिकेगी तब तक मैं रुपये लौटाने में असमर्थ हूँ। फिर क्या, DGM प्रमोद साहब अपने पद के गुरूर में कार्यरत श्रमिक रावेंद्र प्रसाद पांडे को कंपनी से बेदखल करवा दिया, जिसके बाद डरा सहमा पीड़ित रावेंद्र ने पीड़ित शिकायत देकर शासन पुलिस चौकी एवं कलेक्टर से मदद की गुहार भी लगाई है। आपका रावेंद्र प्रसाद पांडे, क्या समस्या है आपको? समस्या यह है सर कि हम रिलायंस पावर में नौकरी, रिलायंस पावर कॉन्ट्रैक्ट में स्टार इलेक्ट्रिकल में ड्यूटी करते थे, जो कि रिलायंस के एम्प्लॉई प्रमोद कुमार सिंह द्वारा हमें नाजायज तरीके से पैसे की लेन देन और पैसा का झूठा आरोप लगाकर हमें कंपनी से बाहर निकाला गया। लेन देन में क्या मामला था? मामला ये था कि प्रमोद सिंह और मेरे गांव वाले लाल बहादुर पांडे जमीन ढोटी गांव में जमीन थी, उस जमीन के को लेने के लिए प्रमोद सिंह ने लाल बहादुर पांडे जी से बात किया था। और मैं सिर्फ उस टाइम में प्रमोद सिंह हमको बोले कि यार कोई ज़मीन लेने वाला बेचने वाला हो तो बताओ बढ़न के अंदर। तो हमको मिले वो गांव वाले भाई थे, तो बोले कि पांडे अगर कोई हो तो मिल लो। दोनों को बस आपस में मिलाया था और बोला था कि पैसे का भाई लेन देन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आप मेरे अधिकारी हो, आपके मन में ये ना हो कल कि कहीं रावेंद्र पांडे दलाली कर रहा है या पैसा खा रहा है। मतलब आप जो अधिकारी हैं, क्या नाम है इनका? इनका प्रमोद कुमार सिंह। जमीन लेना चाह रहे थे? जमीन लेना चाह रहे थे। तो इनको आपने किससे मिलवाया था, जमीन वाले से? सिर्फ हमने लाल बहादुर पांडे से मिलवाया। इनको बुला के धोती में ही जमीन के मुलाकात करा दिया, दोनों का मुलाकात करा दिया था, दोनों ने अपना मोबाइल नंबर ले लिया था। और अपने वो सब बात फिर लोग क्या बीच में कैसे कब लेन देन किए? फिर ये जब जरूरत पड़ा इसके बारे, क्योंकि मैं ड्यूटी करता था, सारी जानकारी तो नहीं है। बाद में जब हमें पता चला कि प्रमोद सिंह ने पैसा दे के हमको बताया कि मैं दे के या नहीं दे के वो हम नहीं जानते कब दिए हैं, बट एक दिन हमको बोले कि पांडे मैं इनको पैसा दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है सर। बोले ठीक है सर, हम वो तो पहले भी जमीन वाले को कितना दिए थे पैसा? अब मेरे कितना बताया, मतलब 1 लाख रुपये सर? 1 लाख एडवांस दिए जमीन वाले को, क्योंकि 50,000 रुपये मोबाइल से चेक में दिए हैं ट्रांसफर करके और 50,000 रुपये बोलते हैं कि कैश में दिए हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद हमको दवा हमको मतलब हम मेरे अधिकारी हैं, इंजीनियर इंचार्ज है, तो हमको बोले कि तुम पैसा दिलवाओ चाहे तुम दो। तो जमीन ले रहे थे तो उसमें क्या हुआ फिर? जमीन तो वो जमीन ले रहे थे, फिर बीच में 1-2 महीने बाद वो मना कर दिए अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह, बोले कि हम जमीन नहीं लेंगे तुम्हारा। अच्छा, जिसको पैसा दिए हैं पैसा मांग रहे थे। फिर बाद में पैसा मांगने लगे, फिर वो गरीब आदमी बोला कि मेरे पास पैसा प्रेजेंट में नहीं है सर, 1-2 महीने 4 महीने रुक जाइए, मैं जमीन बेच के आपका पैसा दे दूंगा, क्योंकि आप मेरे को पैसा दिए हो, मदद किए हो। ठीक है, लेकिन वो ऐसा न करके, मैं उनके नीचे काम करता था, तो हमको दबाव बना के कि तू पैसा दो। मंजीत राय को भी बुला के बोले कि तुम इसका 10,000 रुपये हर महीना काट के हमको दो। मंजीत राय बोला ये कोई नियम में नहीं होता है सर। मंजीत राय कौन है? मेरे कंपनी के साइड इंचार्ज है। अच्छा, वो बोले कि सर किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि किसी भी लड़के का, किसी भी एम्प्लॉय का पैसा बिना कारण बस काट लें। आप मेरे को मेल करो, लिखित में दो और पांडे देगा तो हम पैसा काट सकते हैं, नहीं तो मैं नहीं काट सकता हूँ। तो उन्होंने फिर कंपनी पे दबाव बना रख छोड़ के मेरे ऊपर कि तुमको सिंगरौली ज़िले में किसी भी कंपनी में काम नहीं करने देंगे, तो हमको जानते नहीं हूँ, मैं किस खानदान से हूँ, मैं बिहार का हूँ, यूपी का बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ, ये वो जिस डेट मान लीजिए, ताकि हम डर जाएं और हम मेरी नौकरी बचाने के लिए हम पैसा उनका दे दें। लेकिन श्रीमान जी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं नाजायज कहाँ से पैसा पाऊँ कि दूँ, और पैसा नहीं दे पा रहा। पैसा वो जमीन वाले को दिए, उसका आरोप आप पे लगा रहे हैं कि आप, तुम पर्चा कराए हो तो तुम ही वापस करो, तुम्हें पैसा दे, तुम्हारे गांव वाला भी है। अच्छा, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। फिर ड्यूटी से क्या निकाल दिए हैं? ड्यूटी से निकालने के लिए नोटिस दिया गया है, उस नोटिस में भी सारा चीज़ पैसे के लिए किया गया, जो कि किसी भी कंपनी में पैसे के लिए लेके जमीन संबंधी, अब रिलायंस के एम्प्लॉय जमीन थोड़ी नहीं खरीदते हैं प्लांट के अंदर,
वहाँ तो काम होता है। कहीं शिकायत किए हैं इसका? SP साहब के पास भी किए हैं, कलेक्टर साहब के भी पास किए हैं, और श्रम आयोग में भी किए हैं, थाने चौकी में, शासन चौकी में भी किए हैं, कुठार चौकी में भी एक बार आवेदन दिए थे। कितना महीने हो गया ड्यूटी से निकले? अभी दिए हैं सर, लगभग 10 तारीख को इसी महीने में। हाँ, नोटिस एक महीने से हमको काम नहीं दिया जा रहा है, प्लांट में जा रहे हैं बस, घूम के वापस आ जा रहे हैं। पहले बोला जा रहा था कि उधर से तुमको इधर कर दिया जाएगा, बट बीच में हमको कोई सब लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जानते हैं, मतलब सब लोग ये बना लिया कि इसको बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि हम नाजायज़ हैं श्रीमान। हम अगर नौकरी से बाहर निकल गए तो हमारा परिवार बहुत दिक्कत में हो जाएगा। हम शिकायत किए हैं, अभी फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी सुनवाई नहीं हो रही है, जो भी हो रही है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आउटपुट उसका क्या निकल रहा है, हमने मतलब मेरी नौकरी बच रही है कि मेरी नौकरी जा रही है। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।